गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो ये है सुबह सुबह बेडरूम का कुछ लुक, आप देख सकते हैं पूरा बेडरूम फैला पड़ा हुआ है। आजकल कशिश भी हमारे साथ ही सोने लगी है, नीचे उसका हम लोग गद्दा डाल देते हैं और वो वहाँ पर अपना सो जाती है। थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल हो रही है आजकल इसमें सोने में, क्योंकि उसे अपने बेडरूम में अपने बेड पर सोने की हैबिट है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब उसके रूम का एसी खराब हो गया है तो फिर उसे थोड़े दिन यहीं पर सोना पड़ेगा जब तक एसी ठीक नहीं हो जाता। एसी ठीक करने के लिए हमने कंप्लेंट लॉगिन करा दी है और उन्होंने अभी कहते टाइम और शेड्यूल नहीं बताया है, तो बस टाइम और शेड्यूल जैसे ही आ जाएगा वैसे ही कशिश का एसी भी ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक ये जो मैस है ऐसी फैलने वाली है। पहले तो ऊपर का बिस्तर बस सही कर दो, हो गया काम, लेकिन अब नीचे का पूरा बिस्तर हटाओ, फिर ये जो गद्दा है ये हमारा ऑफिस रूम का है, जो थर्ड रूम है हमारा उसमें रहता है, तो उस रूम में फिर वापस से रखना इसको, ये पूरा एक सुबह की एक्सरसाइज बढ़ गई है। लेकिन और दिल्ली एनसीआर में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है कि सुबह के अभी 8 ही बजे हैं और आप देख सकते हो कितनी कड़ी धूप निकल रही है। इस गद्दे को खिसका के मैं ले जाऊंगी, फिर से इसे वहीं पर डाल देंगे। और क्या है कि ना लॉकडाउन में इतनी जल्दी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। अब जो हम लोगों ने कहते हैं एसी की रिक्वेस्ट डाली है उसमें भी 1 वीक का टाइम लग रहा है। तो पहले जो काम तुरंत हो जाते थे आजकल वो काम में बहुत सारा टाइम लगने लगा है, क्योंकि लेबर भी नहीं है तो उन लोगों का भी यही है कि वो टाइम जो है थोड़ा देर का देते हैं। तो बस सारा बिस्तर ठीक करने के बाद पूरा सामान जहाँ का तहाँ लगाऊंगी, जैसे कि ये सारी किसी जो हम लोग रात में शीट्स ओढ़ते हैं या बिछाई है कशिश के, उस पर वो मैं कशिश के बेडरूम में उसके नीचे की तरफ स्टोरेज है तो उसमें रख देती हूँ डेली, तो ये वहीं पर वापस जाएगी। सुबह इतने अच्छे से घर साफ करो और रात में पूरा घर ऐसा फैलता है कि लगता ही नहीं कि सुबह साफ भी कर रहा था अपने घर, पूरा रात होते होते पूरा घर फैल जाता है। देखिए इन्होंने अपनी टी शर्ट उतार कर यहीं बेडरूम में डाल रखी है, और पता है ना तो इसे मशीन में डालेंगे और ना ही इसे अपनी अलमारी में रखेंगे, मुझे भी नहीं पता चलता कि इन्हें इसे धोना है कि इसको रखना है। Baby, don't cry, don't cry. अभी आ गई हूँ किचन में और ये ब्रेकफास्ट के कुछ बर्तन हैं इन्हें वॉश करूंगी। रात के बर्तन रात में ही वॉश करके सोई थी, तो ये ग्लव्स मैंने मंगाए थे अमेजोन से और इसको आने में 8 से 10 दिन लग गए, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा। इतने दिनों से हाथ से ही बर्तन वॉश कर रही थी और हाथ बुरी तरीके से खराब हो गए थे, बहुत ड्राई भी हो गए थे, तो मंगा तो लिए हैं मैंने, लेकिन इन ग्लव्स के साथ थोड़ा बर्तन क्लीन करना अनईजी सा रहता है क्योंकि आपके जो हाथ है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़े से साइज में बड़े होते हैं और फिंगर्स जो होती हैं उससे आपको एहसास हो जाता है कि बर्तन में कितनी चिकनाई है, एक बर्तन साफ से धुला है कि नहीं धुला है, तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा लगता है कि आप इतने दिनों से हाथ से धो रहे हो और एकदम से ग्लव्स पहन के धोने लगो। ये है कि बस हाथों को बचाने के लिए ग्लव्स बेहतर है, लेकिन आपको अच्छे से वॉश करने हैं बर्तनों को तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, शुरू में दिक्कत आती है फिर धीरे धीरे पता लगने लगता है। मैं बर्तनों को 3 स्टेप में वॉश करती हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ, जितने भी बर्तन होते हैं गंदे उन्हें पानी में निकालकर एक साइड में कर लेती हूँ। सेकेंड स्टेप में विम लिक्विड लगा लेती हूँ। थर्ड स्टेप में उन्हें पानी से धोकर स्टैंड में लगा देती हूँ। तो इस तरीके से एकदम क्लीन बर्तन धुलते हैं, थोड़ी भी गंदगी या थोड़ी भी चिकनाई नहीं रहती बर्तनों में। अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं कुछ डिनर के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ, तो उसी के लिए बस सब्जियाँ कट कर रही हूँ। प्रशांत अपना फ्रेंड से बात कर रहे हैं और इधर मैं अपनी सब्जियाँ लेकर बैठ गई हूँ। बहुत सारी सब्जियाँ कट करनी है मुझे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। यहाँ पर मैंने लौकी ले ली है, भिंडी ले ली है, थोड़ा सा गोभी ले लिया है, बैगन ले लिया है, जो भी मैं सब्जी लाई थी उसमें से थोड़ी 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 सारी सब्जियाँ निकालकर मुझे यहाँ पर कट कर लेनी है। तो आज इन सारी सब्जियों का एक मिक्सचर बनाने वाली हूँ, तो वही तैयारी में लगी हुई हूँ। प्याज भी काट लिया है, लहसुन भी काट के रख लिया है, सब कुछ प्रिपरेशन करके रख लिया मैंने, जिससे कि किचन में जाऊँ और सीधा फिर बस कुकिंग करना स्टार्ट कर दूँ। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। गुड इवनिंग दोस्तों,
तो सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था, फिर दो चार काम किए, उसके बाद बस इतनी गर्मी लग रही थी कि किचन में आने का दिल तक नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था किचन में आने का। आज सच में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि 46 और 47 से ऊपर निकल गया था टेम्परेचर यहाँ दिल्ली NCR में। और पता है ये 18 साल बाद सुनने में आ रहा कि 18 साल बाद इतनी गर्मी पड़ी है यहाँ पर। ओ माय गॉड, एक तो वैसे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ऊपर से इतनी गर्मी कि पूछो मत। घर से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, घर के अंदर चैन नहीं मिल रहा है। जिस रूम में बस AC है बस वहां बैठे रहो तभी मन लगता है, अदरवाइज इतनी गर्मी लगती है पूछो मत। आज सुबह लंच करने का मन ही नहीं करा, आज हमने लंच ही नहीं करा, स्किप कर दिया। ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर वगैरह खाई थी, बस इतना ही खाया था, उसके बाद बिल्कुल भूख नहीं लगी। कभी कभी होता है ना कि आपको भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, तो आज हमारा लंच ही स्किप हो गया। तो अभी मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, डिनर में बना रही हूँ सांभर और उसके साथ इडली। इडली सांभर मेरा फेवरेट, घर वालों का फेवरेट। और हाँ, मैंने आपको ये दिखाया, मेरा दही बहुत अच्छा जमा है इस मटकी में, देखिए कितना अच्छा दही जमा है, बिल्कुल थिक मस्त दही जमा है। सच्ची में मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना मस्त दही जमा है। इसे फ्रीज में रख रखा था मैंने, अभी निकाल कर लाई हूँ क्योंकि मैं इंस्टेंट इडली बनाने वाली हूँ, रवा इडली। तो रवा इडली बनाने के लिए मुझे दही चाहिए था, इसलिए बाहर निकाल के लाई हूँ। इंस्टेंट डिनर रेडी करने वाली हूँ, तो सबसे पहले सांभर बना रही हूँ। सांभर के लिए मैंने 2 से 3 मुट्ठी दाल ले ली थी अरहर की, उसे धो लिया है 2 से 3 बार, और उसके बाद उसमें जो भी वेजिटेबल्स कट करी थी जैसे लौकी है, बैगन है, गोभी है, आलू है, भिंडी है, जो भी आपके घर में वेजिटेबल्स है थोड़ी थोड़ी डाल लीजिए। मैं तो इसी तरीके से सांभर बनाती हूँ, इसमें क्या होता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्विक बन जाती है और सारी वेजिटेबल्स भी खाने को आपको मिल जाती है। तो गर्मी में 3-4 स्टेप्स वाली तो मैं सांभर नहीं बनाऊंगी, जो तुरंत बन जाए वैसा काम करने वाली हूँ। तो यहाँ पर बस नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी और इसके साथ मैंने टमाटर भी डाले हैं। टमाटर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और हल्दी, नमक और मिर्च, ये 3 चीज़ें डालकर मैं इन्हें बॉयल करने रख दूंगी। तो अब मैं 5 से 6 विसल लगाने वाली हूँ जिससे कि दाल अच्छे से गल जाए, सारी सब्जियाँ अच्छे से गल जाए। और अभी मैं इधर रेडी कर रही हूँ इंस्टेंट रवा इडली। रवा इडली बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप रवा यानी कि सूजी, ये थोड़ी मोटी सूजी लीजिए इसके लिए। और उसके साथ मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसमें आधा कप के करीब मैंने दही ऐड किया है। दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा ना हो तो ही अच्छा है। और बस पहले दही के साथ सूजी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ और 1.5 कप के करीब मैंने लगभग इसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। रवा इडली को हम लोग इंस्टेंट इडली बोलते हैं लेकिन इतनी भी इंस्टेंट नहीं है। 20 मिनट के लिए अगर आप रेस्ट करने के लिए छोड़ोगे तो उससे क्या होगा, सूजी अच्छे से फूल जाएगी। पीछे सांभर रख दिया, इधर मेरा इडली का बैटर भी तैयार हो गया है, स्टैंड निकाल लिया है मैंने। अब मैं ये सोच रही हूँ मैं माइक्रोवेव में बनाऊँ या फिर मैं भगोने में बनाऊँ। विसल को आने देते हैं पहले, फिर बात करते हैं। नहीं, अभी तो सांभर बन रही है ना। तो गाइस गर्मी के बारे में मैं बात कर रही थी, तो गर्मी क्या क्या गजब की पड़ रही है। मन कर रहा है गर्मी को जाके ना ऐसे चुम्मा दे दूं, पता है क्योंकि इतना मन कर रहा है। पता है मेरा क्या, मैं गर्मी को ही मार दूं। मेरी तरह ऐसे ऐसे चुम्मा बांट दो गर्मी को, तो गर्मी भी खुश हो जाएगी। क्योंकि हमारा तो देख लो, चाहे पंखे में बैठे, कहीं भी बैठे, किचन में खड़ा होना तो ऐसे जैसे किसी ने पनिशमेंट दिया हो आपको। लिटरली बड़ा प्रॉब्लम ये होती है किचन में, आप कुछ ही नहीं कर सकते, खाना बनाते हो ना, फैन भी नहीं चला सकते, कुछ नहीं कर सकते। और मतलब अनलेस अंटिल घर में सेंट्रलाइज AC ना हो तो फिर मतलब किचन गर्म ही रहता है। गर्मियों में ना पसीनों से प्यार कर लीजिए वरना पसीने आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। और ऐसे ऐसे जब चेहरे पे आता है पसीना, क्या बात है, ऐसा लगे से ठंडा ठंडा कुरकुर। ये क्या है भाई, वार्निंग ऑफ लोकस्ट अटैक अराउंड 4 PM टुडे इन दिल्ली गुड़गांव, लोकस्ट स्वार्म्स हेडेड टू दिल्ली UP, ब्रेसेस फॉर सेकंड अटैक, टाइम्स ऑफ इंडिया पे। उनको क्या मालूम है NCR कहाँ है, पहले से कम परेशान है हम लोग।
लेंगी और इतनी बड़ी बड़ी होती है वो टिड्डियां। उनका मैं तो सोच रही हूँ मशाल जला के रखेंगे, मशाल लकड़ी में कपड़ा लगा के। आग लग जाएगी भाई। ये वियर्ड से थॉट्स आते हैं तुम्हारे जो किवाड़ बंद करके फिर चुपचाप से बैठ जाना। मुझे ऐसा पहले से कोरोना से कम परेशान थे, जो ये टिड्डियों का हमला और शुरू हो गया, इधर कुआ और उधर खाई और बीच में फंस गए हम तो भाई। मेरे को कुआ तो बोल तुम कुआ नहीं हो, इधर कुआ है इधर खाई है और बीच में हम लोग फंस गए। अच्छा, क्योंकि देखो वैसे ही घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, टिड्डियां और चाहती कि हम घर से बाहर ही ना निकले, घर में ही बंद होके रह जाएं। क्या करेंगे ये? आपने देखा ही होगा बंगाल में क्या हुआ है। बंगाल में कितनी बुरी हालत हुई है, और उससे पहले विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में क्या हुआ? जो गैस का पाइप लीक हुआ। अरे हाँ, वो भी पता नहीं क्या हो रहा है, सारे साथ ही हो रहे हैं, बहुत डैमेज वाली चीज है। मैं तो सोचा पता नहीं, ये वाकई में ठंडी ठंडी यार, अच्छा साल नहीं है, पूरा साल निकल जाए बस ऐसे भगवान जी के हाथ जोड़ के आरती करते रहो डेली सुबह शाम कि भगवान जी बस ये 2020 निकाल दो किसी तरीके से। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक इडली स्टैंड पर ग्रीसिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेकर ब्रश की हेल्प से सारा मैंने ग्रीसिंग कर लिया है, और इसके बाद बस तुरंत तुरंत हमें इडलियां बनानी है। इडली का जो बैटर था वो यहाँ पर तैयार हो गया है, तो थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो आधा कप पानी और मैंने ऐड किया है। इस तरीके से इन टोटल 2 कप पानी ऐड किया है मेजरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों को दूंगी, जिसकी हेल्प से आपकी जो इडली है वो सॉफ्ट बनेगी और फ्लफी बनेगी। तो इसमें पहले सबसे पहले तो मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, और ये मैंने लिया 1 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने यहाँ पर इनो लिया है। इनो जो होती है वो सादा वाली लीजिए, कोई फ्लेवर्ड वाली मत लीजिएगा। और अब आपको इडली के बैटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, डबल डायरेक्शन में घुमाने की गलती ना करें। अगर आप कहते सीधी तरफ भी घुमाएंगे और उल्टी तरफ भी घुमाएंगे तो जो इस टाइम में जो एयर बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर बैटर के अंदर वो खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद आपकी इडली अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी इडली सॉफ्ट बने और फ्लफी बने तो आप एक ही डायरेक्शन में घुमाइएगा बैटर को। इमली का पानी तैयार करके रखा है मैंने, और दाल और सब्जी दोनों अच्छे से उबल गई है, इसी के अंदर मिला रही हूँ उसे, इससे इसमें रंग आएगा अच्छा सा और टेस्ट भी आएगा। तो हमारी सांभर उबल तो चुकी थी, मैंने इसके अंदर इमली का पानी भी डाल दिया 1 कटोरी। अब मैंने इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब सांभर पाउडर, और इसके साथ इसे गैस पर रख दिया है बहुत देर, उसे उबालना है कम से कम 15 से 20 मिनट अच्छे से उबाल लीजिए, जिससे कि वो जो इमली का पानी है और जो सांभर मसाला है वो अच्छे से कहते हैं मिक्स हो जाए। और हमारी इडलियाँ भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई हैं। इडली बस एक बार नाइफ डालकर मैंने चेक कर लिया है, तो नाइफ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, यानी कि पूरी तरीके से तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है, इजीली उतर रही है क्योंकि ग्रीसिंग अच्छी करी थी हमने स्टैंड पर, और फ्लफी भी बनी है। I can see it in your eyes. Oh yeah. But there is no need for sorrow, 'cause I will be with you every second of my life. यहाँ पर सांभर अच्छे से बॉयल हो चुकी है, और अब इसके लिए हम एक अच्छा सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला है कुकिंग ऑयल। सबसे पहले मैं 1 टीस्पून इसमें जीरा डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें मेथी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून ही इसमें राई डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून हींग डाल रही हूँ, और इसमें कुछ खड़ी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसी टाइम पर आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है सांभर में। और इसके बाद मैं इसमें 7 से 8 मैंने गार्लिक चॉप करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए, बारीक बारीक चॉप करें चाहे तो आप इसे कूट लो। और उसके बाद मैंने 1 से 2 प्याज कट करके रखी थी वो भी इसी के साथ डाल दिए। अब अच्छे से प्याज को और सारे मसालों को भून लेना है,
और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा गरम मसाला और 2 टेबल स्पून में सांभर पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो सांभर पाउडर मैंने 2 स्टेप में ऐड किया है, एक टाइम जब ऐड किया था जब मैं उबाल रही थी और एक टाइम मैंने अभी ऐड किया है। और इसके बाद बस अपनी बनी हुई सांभर इसके साथ मिला दीजिए और आपकी सांभर बन के तैयार है। सांभर इडली लेकिन मैं इन लोगों को सांभर इडली इस तरीके से नहीं देने वाली। एक्चुअली आज तुम लोगों को कुछ करना पड़ेगा सांभर इडली खानी है तो क्या करना पड़ेगा? तो खाना दे दो। खाना तो मिलेगा लेकिन आप लोगों को कंपटीशन करना पड़ेगा सांभर इडली का। कंपटीशन? यस, हम तीनों कंपटीशन करते हैं ना, बहुत दिनों से कोई भी हमने कंपटीशन वाली वीडियो नहीं बनाई। मतलब ब्लॉग में कंपटीशन है? अब नखरे मत दिखाओ, तुम्हें भी पता है कंपटीशन करना है। चलो करो। क्या कंपटीशन? अभी शुरू कहाँ है? ये कोई चीज है जो मैं जाके करूँ? ऐसे कहने से बातों करो। ये तो बताओ कितने टाइम के लिए आपको चाहिए? तो मैं कितनी कितनी इडली दे दूँ तुम लोगों को? सबको सेम ही दे दो। सबको सेम ही दो। कितनी कितनी? शुरुआत में 6 दे दूँ या 8 दे दूँ? लेकिन कितने मिनट का? 2 मिनट का करते हैं। 2 मिनट का ठीक है, आई थिंक 2 मिनट का कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो कितनी कितनी इडली सर्व कर दूं? मुझे 6 कर देती हूँ। 2 मिनट में जो सबसे ज्यादा खाएगा? हाँ, जो 2 मिनट में सबसे पहले खाएगा। तो कोई कितनी भी ले लो, मुझे तो 6 ही दे दो। अच्छा, सबको 8 दे दो। 8 दे दूं? हाँ, तो 2 2 4 जो जितना खाए वो बाद में है ना। 2 2 4 2 6 नहीं करेगा। और 2 8 8 इडली तुम्हारी हो गई। अब 8 ही डैडी को दे देते हैं। और आज तो तुम खाना भी, गर्मी इतनी हो रही है, वैसे फास्ट फॉरवर्ड या कंपटीशन करके जल्दी खा लो तो वो भी बढ़िया एक चीज है। तो अब ये सब मैं रखती हूँ यहाँ से, जिससे कि चलिए अब कंपटीशन स्टार्ट करें। 2 मिनट लगा दिए हैं यहाँ पे, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ। चलो स्टार्ट हो जाओ। तो फिर अभी नहीं शुरू हुआ? लेकिन एक मिनट, सब लोग सांभर से खानी है? सांभर से खानी है, नहीं है वैसे भी नहीं खा पाओगे बिना सांभर के। मैं पहले थोड़ा पानी पी लेती हूँ। मैं भी रेडी? अभी नहीं रेडी? नहीं नहीं, पहले नहीं। ये तो सांभर बहुत ज्यादा गर्म है। 1 2 3 गो। बहुत ही लंबी सांभर बनी है, मजा आ गया। इनको तो जल्दी खाना इजियर है। मेरी चटनी नहीं बनाई? नहीं, आज चटनी नहीं बनाई। दोनों में सांभर बहुत मीठा और टेस्टी है। अच्छा, टाइमर कैसे देखें? मैं बताती हूँ। 1 मिनट 12 सेकंड्स। 1 मिनट 12 सेकंड्स? हाँ, ऑलरेडी रेडी करो। बस 13 बस 1 मिनट ही बचा है। अरे इतनी जल्दी की सारी इडली कैसे खत्म हो गई? 8 दी थी मैंने। मेरे पास तो अभी भी 1 2 3 4 5 बचे हैं। तुम्हारी भी इडली खाए? तो मैं तुमसे तेज खा रहा हूँ। मुझे लग रहा जाए वो चेक कर रहा हूँ कि नहीं चीटिंग कर रहा हूँ। मैं तो करूँगा चीटिंग। कर रहे हो? तो अब कर रहा हूँ। 30 सेकंड ही बचे हैं। यार तुम्हारा भरोसा नहीं कर रहा। तुम पता है ना, हर गेम में चीटिंग करते हो। तुमने उस दिन कार्ड में भी बहुत जबरदस्त चीटिंग करी। लास्ट टाइम मैंने देखा था। गेम का फेयर खेलो। खेलो, मैं नहीं खेलूंगी गेम। यार मैंने इतने मन से कंपटीशन रखा था, गेम को फेयर नहीं खेला। अरे नहीं खाया मैंने। खाया है मतलब मैं क्यों चीटिंग करूंगा? नहीं खाया।
यार मैं अपने खाने में बिजी थी, मैंने देखा भी नहीं इनके पास। नहीं नहीं मतलब आज से उसमें से 2 बजे कंपटीशन खत्म। आप लोगों ने देख लिया स्टॉप में स्टॉप हो गया था, फिर चीनी का बहुत कर रहे हो। हमने पास में टीचर इनके आसपास देख, उन्होंने कहीं ना कहीं तो रखती होगी। बस क्या तुम ये सब मत करा करो, तुम कंपटीशन कंपटीशन की तरह क्यों नहीं लेते हो? अरे उधर जरा छत पर खड़े हो जाओ। मैं क्या अपने नीचे दबा के रखा हूं? हां तुम्हारा भगवान इनकी पॉकेट से निकली है इडली। मतलब कार्ड तो ठीक होता है। नहीं यार कभी कार्ड है वो, मैं भी इडली खा रही। तुमने सारा कंपटीशन खराब कर दिया, तुम तो आउट हो गए मुझे। क्यों हुआ? अभी कैप्टन को 40 पॉइंट्स आपने गलत किया है। नहीं अब मैं और कशिश के बीच में गेम होगा, बस तुम आउट हो गए। तुम आउट रेडी है मैसेज करते हो? मैंने एक इडली खा ली तो मेरी एक इडली डिजर्व करते हो, ठीक है? मतलब अब कैसे, अब 30 सेकंड्स ही बचे हैं, हम दोनों को जीतना है तो जल्दी करो फटाफट। रेडी 1 2 3 तुम आउट हो, तुम आउट हो गए। तुम्हारी में हो गया तभी मैं करूंगा। देख कितने सेकंड बचे हैं। डैडी अब से हम कोई नहीं खेल रहे। अब वो वाले के प्लेग्राउंड में किड्स होते हैं ना जिनको हम बोल देते हैं हम तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, हम तब भी खेलने। मैं जब भी अपने आप से कंपटीशन एक नंबर के चोर हो गए। हो गया टाइम स्टॉप। मेरी पांच बची। एक मिनट का टाइमर और लगा फिर हमें तू कंपटीशन करते टाई हो गया ना। एक मिनट में कौन जाएगा? मैंने बाहर ही निकाल दिया। अब मेरा हो गया, मैं और कंपटीशन नहीं, हमें एंजॉय करना चाहते तो हम टाई हो गए। हाँ क्योंकि मैंने एक इडली बीच में खा ली थी। टाई नहीं है गाइस, अगर उसको काउंट करोगे तो मेरे पास 4 इडली या 5 इडली बची हैं आपके पास। तो मैं चोरी पकड़ ली ना मैंने। एक नंबर के चोर हो तुम। एक आज ही पकड़ी है। एक फेयर गेम नहीं खेल सकते तुम लोग, चोरी करके उसके अंदर जेब के अंदर डाल ली। तुम लोग नहीं, मैं तो खेलती हूँ हमेशा फेयर। ये भी करती है चीटिंग। मेरे सामान दो, मैं तो नहीं करती हूँ, बस बनिए सामान। तो सोने का अरेंजमेंट हो चुका है हम लोगों का, और जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि कशिश आजकल हमारे ही कमरे में सो रही है और उसके रूम का एसी खराब हो गया है। एक्चुअली कंप्लेंट तो हमने लॉगिन करा दी है, देखो कब तक आते हैं, अभी एक दो दिन में पता चल जाएगा। और मैं पहले इकोनॉमी में थी, पतला सा गद्दा था, बट अब मैं बिजनेस क्लास में हूँ। मेरे पास दो गद्दे हैं और पतला सा मेमोरी फोम है। तो सोने से पहले सीरीज वॉच करना है। हम लोगों ने आज ही एक सीरीज वॉच करी है, पूरी खत्म कर ली। वो एक्चुअली मैं दो दिन से चल रही थी, वो थी पाताल लोक। हाँ। अच्छी सीरीज है, बच्चों के मतलब कि नहीं है तो हम लोग तो अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं। हम लोगों ने अपने लैपटॉप पे देखी और आज हम देखेंगे एक और नेटफ्लिक्स पे आई है। अच्छा पाताल लोक है प्राइम पे, और एक आई है नेटफ्लिक्स पे बेताल, तो वो हॉरर सीरीज है। देखते हैं वो कैसी है। आज रात में रीमा को दिखा के डराऊंगा मुझे। मैं अकेले थोड़ी सो रही हूँ, जब मुझे डर लगेगा। सोचो कोई बात नहीं, हम तो सोचो तुम एक दिन सो रही हो और मैं और कशिश तुम्हारे बराबर में सोए हो और गायब हो जाए, तुम रात में कहाँ है कशिश, कहाँ है घर में तुम ढूंढो और हम लोग हो नहीं तो स्केरी। तो मैं फोन करूंगी गार्ड से, पूछूंगी कहाँ गए। चलिए गाइस तो अभी तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और बताना आप लोग कि कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। छोटे 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 फन कम्पटिशन और ये सब हम लोग करते रहते हैं, तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो हम नेक्स्ट कम्पटिशन कौन सा करें तो जो आपको पसंद हो, और जितने ज्यादा वोट्स जितने ज्यादा उसके बारे में आप लिखोगे किसी पर्टिकुलर कम्पटिशन के बारे में
तो हम लोग उसको जरूर ट्राई करेंगे। एक्चुअली ये प्रॉपर वाला कॉम्पिटिशन हमने नहीं करा था, वो हम बिल्कुल कॉम्पिटिशन स्टाइल से करेंगे। ये तो पता है मैंने अटेंडम सोचा, मैंने डिनर टेबल पे आने से पहले ही सोचा था कि आज क्यों ना इन लोगों को कॉम्पिटिशन करा। देख लो आप लोग देख लो, रीमा हमारे संग भी ट्विस्ट करती हैं खूब ढेर सारे, कभी भी कुछ भी कर देंगी। आज ये और ये बेचारे कैमरे की शर्म के मारे, कैमरा मतलब आप लोग सब्सक्राइबर्स जो कैमरे के पीछे हैं मेरे, उनकी शर्म के मारे तुरंत हाँ भी कर देते हैं। ये क्या गुमनाम है कोई गुमनाम है कोई बदनाम है कोई, चलो जल्दी से बंद करो लाइट ताकि हम देखें बेताल वाली सीरीज। बाय बाय, लव यू गाइस।